नेक्स्ट डे हो गया है और सारे लोग अभी रुके हुए हैं ऑब्वियसली। तो आज मेहंदी का फंक्शन इन द सेंस कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, बस हल्की सी मेहंदी छुला देनी है, दैट्स अबाउट इट। हम सब लोग उठ गए हैं और मैं अपनी क्लास लेने बैठी हुई हूँ। क्लास चलेगी मेरी, क्लास मैं इसलिए कर रही हूँ फिर मेरे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएंगे और फिर मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी अगर मैं छुट्टी ले लेती लेकिन मैंने ली नहीं, मैंने कहा मैं कर लूँगी, तो इसलिए क्लास मेरी चल रही है। मतलब अभी होने को है और सब उठ गए हैं, नीचे सब नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ बेचारी पढ़ाई की मारी। आंटी आ गई है, तो सबसे अच्छी सुबह उठ की सबसे अच्छी खुशखबरी यही मिली कि आंटी आ गई है। शिव पप्पी पुन्नी सब आ गए हैं। अब तो जो मज़ा आने वाला है ना गाइज, आज जो मज़ा आने वाला है ना, ऑल दो वेरी टायर्ड है, हम लोग बहुत टायर्ड है, बहुत थक गए, कल पूरी रात के 2 बज गए थे डांस करते करते, बट इट्स ओके, शादियों में चलता है ये। अभी नाश्ता कर रहे हैं बाहर, अभी बहुत लोग बाकी हैं नाश्ता करने के लिए भी। मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्लास लेनी है, 12:30 तक मेरी क्लास होगी। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से शूट कर पाऊँ लेकिन काम इतना हो रहा है ना कि शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे शूट भी करना है, तो ये वाला सीन हो रहा है। मैंने सिमरन को कैमरा भी दिया था पकड़ाने के लिए कि बना देना, बेचारी ने बहुत बनाया, तो अब मैं देखती हूँ फुर्सत से बैठूँगी, मैंने वो क्लिप्स भी नहीं देखी अभी तक, अब मैं फुर्सत से बैठ के क्लिप्स देखूँगी और फिर मैं इसको एडिट करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड, आओ हम लोग चल रहे हैं। किसका बुलावा देने जा रहे हैं? ढोल बजने वाला है ना थोड़ी देर में। हाँ तो हमारे घर पर ढोल बजने वाला है, बुलावा देने जा रहे हैं ना, है ना। भाभी जी
एक उंगली होता है ना अंगूठा होता है उस पे लगा सकते चले जाओ ज्यादा वैसे भी। भाभी कहाँ हैं? सदा भाभी कहाँ हैं? किधर कहाँ हैं? भाई की मेहंदी और ये सब के साथ फोटोशूट लोगों के चल रहे थे सभी लोगों के, और मैं इसी दौरान निकल आई अपनी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि इस बार मुझे मेहंदी घर पर नहीं लगवानी थी। एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 4-5 घंटे बैठ पाऊँगी, इसलिए मैंने डिसाइड करा था कि मैं मेहंदी बाहर ही लगवाऊँगी, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरी मेहंदी इंगेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं रची थी, और मैंने उसको कम से कम 5-6 घंटे लगवाने में लगे थे मुझे, तो इसलिए मैं इनके पास आई। उन्होंने मुझे 1 घंटे में मेरे दोनों हाथ में मेहंदी बहुत अच्छी लगा दी, और मेहंदी का जो कलर था ना वो भी बहुत अच्छा आया, और अगली बार से मैं हमेशा से बाहर ही लगाऊँ। क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल मुझे भी ले लीजिएगा। अच्छा ओके।
ये व्लॉग ही चल रहा है। अच्छा हाँ, हमारी सिस्टर का व्लॉग को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ लाइक करो, फरमाना चाहती हैं लोग, लाइक करो, फरमाना चाहती हैं लोग। ये लोग बालकनी के टिकट लेके बैठे हैं। करते करते ऑलमोस्ट हटी गई है और थोड़ी सी रह गई है बस, और मुझे इसका कलर भी अच्छा दिखता है। ये